रानू चिड़िया के 3 अंडे थे और उन अंडों से 3 सुंदर सुंदर सी बेटियां निकलती हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। बच्चों आप घोंसले में ही बैठो, मैं पड़ोसियों को मिठाई देकर आती हूँ। मम्मा वो किस खुशी में? तुम लोगों के सुरक्षित अंडों से बाहर आने की खुशी में। रानू चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कवि के पास मिठाई लेके जाती है। गौरी बहन मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई? बेटे निकले हैं ना आपके अंडों से, ये मिठाई उसी खुशी में होगी। गौरी मेरे अंडों से 3-3 बेटियां निकली हैं। पागल चिड़िया, बेटों की मिठाई तो हर कोई बांटता है, लेकिन तुम तो बेटियों की मिठाई भी बांट रही हो। इस जमाने में बेटियां बेटों से कम नहीं होती। तुम देखना गौरी, मेरी बेटियां तुम्हारे बेटों से ज्यादा कामयाब बनेंगी। मेरे 3 बेटे हैं, बड़े होकर एक एक दाना भी घर लाए तो 3 दाने घर आएंगे। तुम्हारी 3 बेटियों का तो पेट भरना ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। गौरी तुम ये मिठाई खाओ, ये तो समय ही बताएगा कि मेरी बेटियां कामयाब पक्षी बनती हैं या फिर तुम्हारे बेटे। दिन गुजरते गए और मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को जिंदगी गुजारने के तरीके बताती है। मेरी बच्चियों हमेशा याद रखना, मेहनत के बगैर कोई कामयाब नहीं होता। अच्छे समय में बुरे का ध्यान रखना, और अगर कोई भी काम करो तो उसके अच्छे बुरे का भी ध्यान करना। हम उड़ना कब सीखेंगी? उधर दूसरी तरफ गौरी कवि भी अपने बेटों को ठोंस ठोंस कर खिलाती है। गौरी कवि अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों का भोजन भी चुराती थी। वो कमजोर पक्षियों पर जुल्म करते रहते थे। पापा पापा मेरा तो आज मिठाई खाने को मन कर रहा है। पापा मैं तो आज चावल खाऊंगा। मम्मा पापा से कहें मेरे लिए आज खिलौने लेकर आए। ले आएंगे ले आएंगे, आपके पापा सब कुछ ले आएंगे। गौरी मेरा चाकू कहाँ है? ये लें और अपना ध्यान रखना। कालू कौवा घर से निकलता है और बड़े पेड़ पर जा बैठता है। जंगल में कोहरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए जब हवाई रक्षा कालू के पास आता है तो वो उसको रोक लेता है। कहाँ जाना है जी आपको? चुप चुप कर जाओ, दोबारा बोले तो सीधा ये चाकू तुम्हें मार दूंगा। सब कुछ निकाल दो, जो जो तुम लोगों के पास है वो सब निकाल दो। हरियाली तोती के पास तो सोने की चेन थी, वो तुरंत उसे उतार कर कालू कवे को दे देती है। और चाचा छमछम वो तो रोए ही जा रहा था। चोर जी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, जो थे उससे मैंने ऑटो में पेट्रोल डलवा लिया है। डाकू कौवा छमछम को एक थप्पड़ लगाता है और बुलबुल से पैसों वाली थैली लेकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा मिठाई की दुकान पे जाता है, वहां से मिठाई लेता है, फिर वो चावल लेता है, फिर वो खिलौनों की दुकान की तरफ जाता है और वहां से अपने छोटे बेटे के लिए खिलौने लेता है। कालू जी क्या बात है, आज तो खुले ही खर्चे हो रहे हैं। कबूतर मैं जो कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, मैं तुम्हारी तरह कंजूस थोड़ी ना हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है।